हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेनु चौधरी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा कल करवा चौथ है और मैंने आज ना मेहंदी भी लगवा ली है और इसका मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया था। एक आप लोग शॉर्ट्स नहीं देखते हो तो देखिए, वहाँ पे हम लोग अच्छे अच्छे शॉर्ट्स फनी वीडियो मैं आजकल डाल रही हूँ। तो कल करवा चौथ है तो मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं मेरा करवा चौथ कैसा क्या रहा। तो जिसको वीडियो अच्छा लगता है वो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको अच्छे नहीं लगती है मेरे वीडियोस देखना या व्लॉग्स वगैरह जो भी देखना, तो प्लीज़ वो ना ही देखे, क्योंकि जिनको अच्छा नहीं लगेगा तो वो कैसे देखेगा ना। तो मैं ये कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि पर्सनली मुझको जानते हैं उनके बारे में। तो चलिए वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे आप लोगों को ना अपनी मेहंदी दिखानी थी, ये वाली जो कि मैं अभी बाहर से लगवा के आई हूँ। यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल था, उसके पास में जो एक भैया थे वो बैठ के लगा रहे थे, लेकिन कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि पहले कोई मेरा व्लॉग बनाने का प्लान नहीं था। लेकिन अभी मुझे हुआ कि मुझे करना चाहिए, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कहाँ जाके मतलब गायब हो गई, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो को ना कल कंटिन्यू करेंगे और इस पर कैसा क्या कलर आएगा वो मैं आप लोगों को कल ही दिखाऊंगी। और आगे यहाँ पे भी मुझे मेहंदी लगानी है, वो मैं रात के टाइम में लगाऊंगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैमरे से, रात नहीं हुई है अभी तक। देखिए दिन है बाहर और टाइम लगभग 4:30 के समथिंग हो गया होगा। तो मैंने फ़ोन को ना ऐसे ही एक बार सेट किया रख करके, क्योंकि स्टैंड है वो मेरा अभी अंदर ही रखा हुआ है। तो मैंने सोचा जैसे तैसे करके मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ वैसे मैं करती हूँ। तो अभी बाहर खेलने के लिए गया है, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गया वो भी। और अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं किस साइड चला गया है। तो चलिए अभी मेहंदी सुखाते हैं, आराम से बैठते हैं, और कुछ काम है नहीं क्योंकि मेहंदी लग चुकी है। मेहंदी लगने के बाद में अभी जो भी काम होगा वो ही करेंगे। अभी वो है नहीं, अभी के पापा बाहर गए हुए किसी काम से, जैसे ही वो आते हैं एक दो काम है वो कर लेंगे और हम लोग उसके बाद में चाय पियेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बाद में। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी जहाँ पे मुझे कहानी सुनने के लिए जाना था। तो सुबह सुबह मैं वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी, और हमारे यहाँ पे ऐसी ही पूजा की जाती है करवा चौथ की। तो यहाँ पे मतलब कि 13 जन थी, 13 लेडीज़ है, तो हम सब साथ में मिलके कहानी सुन रहे थे। वैसे कुछ इतना मतलब कि हैवी नहीं है, ज्यादा मतलब कि कम पैसों में ही पूरी ड्रेस बन जाती है। वैसे तो मैंने सिंपल सा ये लुक कैरी किया है जो कि सभी लेडीजों ने, किसी ने कुछ पहना था और किसी ने कुछ पहना हुआ था, लेकिन मुझको ये वाली ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने ये पहनना मतलब कि पहनने का सोचा। तो अभी हम लोगों का चाय पानी सब कुछ हो चुका है, हमारे यहाँ पे चाय पानी भी पीते हैं। और ये ना बिल्कुल मेरे सर पे रुक नहीं रहा है क्योंकि आदत नहीं है इन सब की, इसीलिए तो अभी कुछ खाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे फल फ्रूट बीच में एक बार खाते हैं, उसके बाद में नाइट में चांद को देखने के बाद में ऐसा कुछ किया जाता है जो कि मैंने आप लोगों के साथ में बहुत पहले भी शेयर किया था कैसे क्या करते हैं। और अभी बाहर खेल रहा है अभी भी। तो चलिए अभी, हाँ क्या हुआ? साइकिल। तो अभी को दिखाना उधर, अभी मांग रहा है साइकिल और मैं अपने फ़ोन में ही लगी हुई थी। तो अभी खेलता है, तब तक मैं अपनी कुछ वीडियोज़ भी मैं शूट कर रही थी। आजकल फनी वीडियोज़ भी ज़्यादा ही डाल रही हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था। तो चलिए इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करती है। हमारी चाय बन रही है, हम लोग पियेंगे चाय और उसके बाद में खाने पीने की तैयारी करनी है शाम को। और इधर ये बैठे हुए हैं ऐसे ही एनी टाइम फोन में ये लगे रहते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था और भी दिखा रही हूँ। फोन चालू है और अभी भी बाहर ही खेल रहा है वो, 1-1.5 घंटे से आ ही नहीं रहा है। तो पहले चाय पीते हैं उसके बाद में देखते हैं और
पता नहीं कैसे, या तो दोपहर में सोई नहीं, इस वजह से मेरा पूरा सर दर्द कर रहा है, तो मैं शायद थोड़ी देर के लिए लेट भी सकती हूँ क्योंकि थोड़ा आराम करना ज़रूरी है, फिर रात के टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मुझको। तो चलिए चाय पीते हैं और उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप आ जाओ पहले, आ जाओ जरा लिया में लगा ले, बेटा हटो आ गया हूं थोड़ा ले बटो बटो ये तो कोई आपको इधर इधर करो ना, तुम भी खोल दो ना, मैं वीडियो बना रही थी, मम्मा वीडियो बना लूं मम्मा क्या तुम चुप करो चढ़को तो चढ़ के तो ऊपर ना चलिए आगे चांद को अर्घ दे दिया है और अद्वी को सुला दिया, तो थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ मैं। और जहाँ पे जिन लोगों ने करवा चौथ माता का उजमन किया था वहाँ से हम लोगों को एक एक ही गिलास दिया है और एक एक ही लाख की चूड़ियाँ दी थी जो कि मैंने ऐसे पहन ली है एक बार। और इसमें जो कुछ हमारी साइड दिया जाता है वही है, तो मैं इनको रखूँगी अभी। और इसमें खाना जो भी था तो इसमें सारा बाकी का खाना है जो भी मतलब कि बनाया था वहाँ पे, और ये कि चीनी का करवा दिया जाता है वो भी दिया है, और इसमें सब्जी है और चूरमा है, पूड़िया है, वो सब है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं भी घर पे भी खाना बना ही रही थी, तो हम लोग भी बाहर से जलेबियाँ वगैरह लेके आए थे। और इधर आ गया ना, और इसमें हम लोगों ने बनाई हुई है खीर, टेप करो, तो इसमें हम लोगों ने खीर बनाई है और यहाँ पे आटा लगा के रखा हुआ है, पूड़िया बना लेंगे। और मैं और पूड़िया भी लेके आई हूँ इसके अंदर है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ सभी लोगों से एक अच्छे से ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक ये बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में फिर से दिखा रही हूँ, तो मैं आपको खाना दिखा देती हूँ क्या क्या हम लोगों ने बनाया है। तो इसमें है खीर और इसमें है जलेबियाँ ये वाली, और इसी के अंदर भी जलेबियाँ ही है, और इसमें है ये मटर पनीर की सब्जी, और इसमें है दाल, इसमें है चूरमा, ये है पूड़िया, और ये है हमारा इधर वेज रायता, सॉरी बूंदी का रायता बनाया मैंने, और इसमें ये स्वीट है जो कि अभी नहीं खा पाएंगे मुझे लग रहा है, मिल्क केक कलाकंद। तो ये है हमारा खाना, हम लोग खाएंगे और इस वीडियो का एंड हम यहीं पे कर देते हैं।